कुछ डिटेल इसमें मैं बताने वाला हूँ, कुछ शेयर करने वाला हूँ इसका रिव्यू कि आपको ये फोन परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। ब्लू कलर वेरिएंट में है और भी ब्लैक एंड व्हाइट में भी है, तो मुझे ये वेरिएंट काफी अच्छा लगा। बट हाँ, ये पूरा ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, आप देख सकते हैं कि पूरा ग्लॉसी फिनिश के साथ है। ये इसका बॉक्स है, इसका चार्जर है, दिखाने लायक नहीं है, बेसिकली जो माइक्रो यूएसबी टाइप जो चाइनीज चार्जर जो जैसा मिलता है वही है, ठीक है। एंड एकदम बेसिक सा एक हेडफोन है, लेकिन मैं थैंक्स बोलूंगा इसीलिए क्योंकि आज के डेट में भी ये लोग हेडफोन दे रहे हैं, ठीक है। ये तो अच्छे अच्छे कंपनी तो हम लोगों को चूतिया बना के रखे। खैर, फोन जो है यही है, डुअल 4G सपोर्ट करता है, ऑटो वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग है, यार इंटरनेट है काम का नहीं है, सीधा मैं बता देता हूं, इंटरनेट है लेकिन काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। एक फोन है जो 4G वोल्टी फोन है, कॉल कर सकते, और ये जो आप देख रहे हैं वाईफाई, ठीक है, और ये हॉटस्पॉट, ये चीज आप यूज कर सकते हैं। इतना ही इस फोन में फीचर है, ज्यादा फीचर आप ढूंढो मत, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे गेम्स है जो कि आप प्ले कर सकते हो, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, तो यहाँ पे इंटरनेट है लेकिन यही है, कुछ डोराडो एंड ओपेरा मिनी सेट एज डिफॉल्ट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ओपेरा मिनी डायरेक्ट ओपन होता है, आप चाहिए तो आप ओपेरा मिनी भी ओपन कर सकते। वाईफाई लिटरली बहुत फास्ट है वाईफाई, मैं ऑफ करता हूँ वाईफाई, बैक होता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ वाईफाई, देखिए इट्स कनेक्टेड, बहुत ज्यादा फास्ट है। तो यहाँ पे मेरा और भी कुछ वाईफाई है क्योंकि ये मेरा है COVID-19, तो इसीलिए नहीं, मुझे नहीं हुआ है COVID-19, बट अभी ट्रेंड चल रहा है तो मैं COVID-19 डाल दी। खैर, अभी जो बात है, काफी अच्छा डिवाइस है, यूज कर सकते हैं आप, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है फोन का है, ये रैंडमली रिस्टार्ट हो रहा है। आज ही मुझे ये फोन डिलीवर हुआ है और ये फोन रैंडमली रिस्टार्ट हो रहा है, लाइक मैंने जैसे 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड डाल के रखा है, उसके बाद जो है फोन कंटिन्यू रिस्टार्ट हो रहा है। मुझे पता नहीं गाइस कि ऐसा इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, साउंड है, लॉक साउंड। मैं जस्ट फोन आया, चार्जिंग पे लगाया, फोन चार्ज हो गया, और मैं साइड पे इसको ऐसा रख दिया जैसे लाइक मैं अभी बेड के ऊपर ही हो, तो मैं साइड के ऊपर मैं सो गया, तो 10-15 मिनट के बाद जो है मुझे सिर्फ मतलब ऑन ऑफ होने का साउंड टोन सुने दे रहा, क्योंकि मैं नींद में था, उतना मुझे समझ में नहीं आया पहले। उसके बाद जब मैं देखा फोन को हाथ में लेके, यार जैसी साउंड हुआ तो मैंने घुमा के फोन उठा, तो देखा कि ये रजिस्टर्ड हो रहा है। मुझे क्या हो गया यार, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए मैं सो गया था दोपहर को। तो मैं बोला क्या हुआ यार, फोन क्यों रजिस्टर्ड हो रहा है बार बार। तो बेसिकली ये फोन जो है यही प्रॉब्लम है, हो सकता है कि मेरे ही डिवाइस में ये प्रॉब्लम है, बाकी के फोन में ना हो, मैं यही चाहूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ हॉटस्पॉट की, ये सब फीचर्स की, तो फोन बहुत अच्छा है। इसमें अगर यूट्यूब की बात करूँ, नहीं चलेगा, ठीक है, और व्हाट्सएप नहीं चलेगा। लोकल थोड़ा बहुत आप ब्राउजिंग कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपेरा मिनी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, बिंग स्टार्ट होता है यहाँ पे सारा, पहले तो गूगल पे मैं लेके चलता हूँ क्योंकि वाईफाई मेरा अच्छा है, तो इसमें ओपन हो जा रहा है। मोबाइल नेटवर्क पे मैंने देखा था उतना अच्छा नहीं है, तो ये क्यों पहले आ जाता है मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा। सरकारी जॉब, ओल्ड सॉन्ग, पंजाबी वेदर, चलिए थोड़ा वेदर ही देख लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे जैसा गूगल का जो है वही बेसिक सा लोगो, हम तो नोकिया में जो पुराना ओपेरा यूज होता था वही ओपेरा यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, और यही दिखाई दे रहा है। यूट्यूब की बात करूँ तो गाइज यूट्यूब इसमें तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं बनता है यूट्यूब, फिर भी मैं आप लोगों को मतलब क्या है तसल्ली के लिए मैं एक चीज मैं दिखा देता हूँ। भाई बहुत दिन से ये सब फोन में टाइपिंग नहीं किया, तो मुश्किल काफी ज्यादा होता है। तो ये मेरा चैनल सर्च कर रहा हूँ, देखता हूँ कि गूगल बाबा को पता भी है कि नहीं यार चैनल, ठीक है, प्रोसेसिंग पे है, ओके। तो यहाँ पे आ गया अभिजीटेक यूट्यूब में, तो ये चैनल मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वीडियोस जो है अपलोड किया है, ठीक है, जितने भी वीडियोस जो है मैंने अपलोड किया है आपको मिलेगा। ज़्यादा वीडियोस तो मैंने अपलोड नहीं किया है इसमें, खैर इस चैनल पे बहुत, क्योंकि भाई मैं दूसरा प्रोफेशन में हूँ,
लास्ट में ऐसा नाइट्रोफाइब्रिलाजिन का रैंडमली मैंने ही किया था, इसको ही मैं चलाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि योर ब्राउजर कैन नॉट प्ले दिस वीडियो लर्न मोर, ठीक है, और ये लर्न करके मुझे भी क्या फायदा मिलेगा। खैर थोड़ा इस सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग जाएगा। खैर आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।